नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं सतीश सुमन ऑफिशियल एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो सॉल्यूशन है वो 19 जून 2022 को जो राजस्थान पीजी का पेपर हुआ है उसके बारे में है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका फोर्थ होगा। ड्राइंग इज रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड व्हाइल डिहाइड्रेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर कंटेनिंग कंपाउंड। सेकेंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल एट द प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है 1023। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो सेकेंड होगा। ठीक है, उसके अलावा हम आगे चलते हैं। टू इम्प्रूव द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ नॉन डेस्क्रिप्ट बफेलोज द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड इज वाइडली यूज फॉर ब्रीडिंग। तो निम्न में से कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर है आपका सूरती, मेहसाना, मुर्रा और नीली रावी। तो मुर्रा इसका राइट आंसर है। फोर्थ है कि स्ट्रक्चर बॉटम हीट बॉक्स इज जनरली यूज फॉर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा जो है वो कटिंग रूटिंग होगा। ठीक है, फाइव क्वेश्चन है आपका इन एक्रीडाई द टिम्पेनम इज प्रेजेंट ऑन। तो फाइव क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है कि द टोमेटो ट्रांसजेनिक वेराइटी फ्लेवर सेवर वॉज डेवलप यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। तो जो फ्लेवर सेवर डेवलप किया गया है वो आपकी एंटीसेन आरएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है इसको डेवलप किया गया है। सेवन नंबर का क्वेश्चन है आपका द प्रोजेनी ऑफ क्रॉस बिटवीन द टू जेनेटिकली डिफरेंट होमोजाइगस प्लांट इज नोन एज, इसे हम F1 हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा एट नंबर का क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इरोजन इज नॉट अ टाइप ऑफ सोइल इरोजन कॉज बाय द वाटर, सैंड ड्यून्स, रेनड्रॉप, सीट रेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सैंड ड्यून्स। नाइन नंबर का क्वेश्चन है आपका कि द टैक्सोन सब क्लास एंड्स विद द सफिक्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माइकोटिनिया है। टेन नंबर का क्वेश्चन है आपका द वाटर यूज इफिशियंसी इज द वाई अपॉन ईटी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द पैरासिटॉइड ऑफ पपाया मिलीबग पेराकोकस मैरिग्नेटस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका 11 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका 4 नंबर, ऑल ऑफ द एबो सारे ही इसके अंदर आएंगे। 12 नंबर का है प्री स्टोरेज और प्री सीपिंग शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रीटमेंट फॉर कट फ्लावर्स फॉर लॉन्गर स्टोरेज और डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं पल्सिंग के माध्यम से किया जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेलिसिलिटी इन प्लांट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इसका राइट आंसर है जोन्स एंड डेविस। ट्रूमेंटिक इंसेमिनेशन इज ऑब्जर्व इन विच फैमिली, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 2, यानी सीमी सीडी जो फैमिली होती है उसके अंदर ये चीजें देखी जाती है। ठीक है, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि द मोस्ट अबंडेंट प्राइमरी मिनरल्स आर क्वार्ट्ज़, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो है वो फेल्डस्पार होगा। ठीक है, 16 नंबर का है इन मेज क्रॉप अ क्रॉस बिटवीन एन इनब्रीड लाइन एंड ओपन पोलिनेटिव वैरायटी इज नोन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 16 नंबर का जो है आपका टॉप क्रॉस है। विच कैन्स आर रिकमेंडेड फॉर कैनिंग ऑफ स्ट्रॉबेरी, देखो स्ट्रॉबेरी जो है एसिडिक नेचर का होता है तो इसके लिए हम एसिड रेजिस्टेंस लिक्विड कैन्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो 17 नंबर का राइट आंसर 1 होगा। व्हाट इज द नेट एटीपी प्रोडक्शन अंडर द एनरोबिक रेस्पिरेशन, राइट आंसर आपका 2 होगा। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं 19 क्वेश्चन When the total utility becomes maximum, marginal utility will be, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 3, यानी 0 जो है इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि एनेबा रोगा और फुट रोट इज द डिजीज ऑफ, ठीक है। 20 नंबर में जो राइट आंसर है आपका अरेकनट है। अंडर द लॉ ऑफ डिमांड 21 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका 4th, यानी ऑल ऑफ द एबो यहां पर होगा। ठीक है, 22 की बात करते हैं तो ट्रेंचिंग अराउंड ग्राउंड फील्ड इज डन टू चेक द अटैक ऑफ, यानी जो ग्राउंडनट के आसपास जो हम ट्रेंचिंग करते हैं उसका मेन पर्पज होता है रेड हैरी कैटरपिलर को कंट्रोल करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रेड हैरी कैटरपिलर होगा। 23 की अगर हम बात करें चूज द एरोमेटिक क्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग, डेवाना जो है एटेमिसी स्पीसी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, 24 की बात करें तो विच फंजीसाइड इज हाईली स्पेसिफिक टू वर्ड द ओ माइसोटिस फंजाई, 24 का राइट आंसर आपका मेटालेक्सिल होगा। ठीक है, 25 की हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोइल कंजर्वेशन मीजर इज नॉट एग्रोनॉमिक मीजर्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 4th नंबर कंटूर टेरेंसेस होगा। डोग्राइज रूट स्टॉक्स पर्टेंस टू, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ग्रेप होगा। ठीक है,
उसके अलावा आगे हम चलते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों 27 नंबर जो है क्वालिटी प्रोटीन में इसकी जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी प्रोटीन में इसके अंदर जो है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन की अधिकता होती है, यानी 27 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर वन है। एसएमआरसी मॉडल फॉर कम्युनिकेशन हैज बीन गिवन बाय डेविड बर्लो के द्वारा जो है ये मॉडल दिया गया है। 28 का जो है वन आंसर राइट होगा। 29 की बात करें द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल माइग्रेशन ऑफ स्मॉल मिनरल पार्टिकल्स फ्रॉम ए टू बी द होराइजंस ऑफ अ सोइल प्रोड्यूसिंग बी होराइजंस रिलेटिवली इन क्ले इज नोन एज मेलेनाइजेशन, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द वेदर फोरकास्ट इज यूजफुल फॉर द चूजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में जो है वो आपका क्रॉपिंग पैटर्न को चूज करने के लिए हमें लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट को हमें ध्यान रखना चाहिए। 31 की अगर हम बात करते हैं तो 31 क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग सिचुएशन, टीचर, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मटेरियल, फिजिकल फैसिलिटीज एंड लर्नर, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 32 की अगर हम बात करते हैं अ रॉन्ग डिसीजन अबाउट हाइपोथेसिस, ठीक है 32 में जो है आपका टू ऑप्शन टू काइंड्स ऑफ एरर जो है इसका राइट आंसर होगा। 33 की अगर हम बात करें इन विच क्रॉप द डॉक मेथड्स इज अडॉप्टेड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फोर्थ ऑप्शन कॉटन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं 34 नंबर पर। द आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस, तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका पोटेशियम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका पोटेशियम होगा। एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन 35 नंबर का क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन प्रोसेस के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इनोवेशन, कम्युनिकेशन चैनल, टाइम एंड सोशल सिस्टम होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है ईयर कोकल ऑफ वीट इज कॉज बाय, 36 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंदर राइट आंसर आपका निमेटोड होगा। ठीक है, उसके बाद 37 टेक्नोलॉजी टू मैनेज द स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी एसोसिएट विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रिसीजन फार्मिंग, इसे कहा जाता है। 38 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो एक्वापोनिक्स फैसिलिटीज द मोमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्वापोराइंस आर, इसका राइट आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन होगा, प्रोटीन्स इसे कहते हैं। ठीक है, 39 की बात करें तो हाईली सुटेबल क्रॉप फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी साइलेज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो है मेज होगा। ठीक है, उसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू, अगर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू की बात करते हैं दोस्तों तो इसका राइट आंसर आपका -1 से +1 होगा। 41 है द बल्क ऑफ द .. पावर्स इज कंस्ट्रक्टेड इन द क्रिस्टलाइन क्ले मिनरल्स ऑफ द सोइल कोलोइड, 41 क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फ्लोकुलेशन होगा। 42 इन विच राइस डिजीज क्रेसेक्स फेज इज देयर, 42 का राइट आंसर आपका बैक्टीरियली ब्लाइट होगा। ठीक है, उसके अलावा 43 नंबर का क्वेश्चन की हम बात करते हैं साइनोडोन डेक्टाइलोन इज अ, साइनोडोन डेक्टाइलोन किस नेचर का होता है, तो ये पेरेनियल नेचर का होता है। 44 की अगर हम बात करें अमंग द फॉलोइंग विच मेडिसिनल क्रॉप नेचुरली प्रीवेल्स इन एरिड रीजन ऑफ थार डिजर्ट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 44 का जो है आपका सिट्रुलस कोलोसाइंथस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 45 की बात करें तो आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट विच इज फंक्शन एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में जो काम करता है वो आपका राइट आंसर इसका मैग्नीशियम होगा। ठीक है, 46 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनेल विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस, यानी कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि फोटो रेस्पिरेशन पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 47 नंबर का क्वेश्चन की बात करें द एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी, दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है 2021 का, तो इसका राइट आंसर आपका 0.01 टू 0.03 मेगापास्कल होगा। 48 क्वेश्चन की अगर हम बात करें सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस कैन बी डिटरमाइंड बाय द इवैल्यूएटिंग द, 48 का राइट आंसर जो है आपका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो होगा। हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ टिलेज, बहुत सीधा क्वेश्चन था, जेंथ्रो टूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके अलावा अब हम आगे चलते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अ कंपोनेंट ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज अ वेंचुरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ यूज ऑफ गेस्चर एंड पोस्चर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 51 में जो है सी ऑप्शन राइट होगा आपका। 52 की अगर हम बात करते हैं तो 52 में विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क वर्म डिजीज ट्रांसवोरियल ट्रांसमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेब्राइन डिजीज जो है इसका राइट आंसर होगा। 53 जिंक कोटेड यूरिया शुड कंटेन मिनिमम जिंक परसेंटेज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2% होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं विच अमंग द दीज
इन द होस्ट प्लांट फॉर कुसमी स्टेन ऑफ लेक, कुसमी स्टेन ऑफ लेक के लिए कौन सा प्लांट जो है सबसे अच्छा माना जाता है? तो 54 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए सेरा ओलियेसा जो है इसका राइट आंसर होगा। 55 की अगर हम बात करें, इफ अ थ्री जीन्स आर सेग्रीगेटिंग फॉलोइंग द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स विल बी ऑब्जर्व इन एफ टू जनरेशन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 27 होगा। 56 ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द 2 अक्टूबर 1952। 57 की अगर हम बात करें तो डेल्थामेथ्राइन बिलोंग टू विच केमिकल ग्रुप, सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड से ये बिलोंग करता है, तो 57 का राइट आंसर आपका 1 होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन की, तो 58 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। देखिए दोस्तों ये तीनों ही जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन के पार्ट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, मीडियन होगा। 59 की अगर हम बात करते हैं तो 59 विच सेगमेंट इन मेल ग्रास ऑफर फॉर्म द जेनेटियल सेगमेंट, तो 59 का जो राइट आंसर होगा आपका 9th एब्डोमिनियल सेगमेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 60 की अगर हम बात करते हैं, विच ग्लैंड इज हनी बी प्रोड्यूस रॉयल जेली, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2nd ऑप्शन लेटरल फेरेजेनल लेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 61 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो 61 के अंदर डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी हैज बीन गिवन बाय जेपी लिगन्स, एम रोगर्स, रायन एंड ग्रॉस एंड गैब्रियल ट्रेड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ईएम रोगर्स होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 64, बहुत सीधा क्वेश्चन था कि द सेलाइन सोइल की अगर हम पीएच ईसी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी ईसी जो है वो 4 से ज्यादा होती है। 63 की अगर हम बात करें तो 63 के अंदर जो है Among the different multi-storied and multi-species cropping system, which system sustain most in arid region, bare care and fog जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 64 की अगर हम बात करें, zero stage of rust fungi is commonly known as pycnospore, इसे कहा जाता है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। 65 की अगर हम बात करते हैं तो identify the beneficial nutrient among the following nutrients, तो sodium इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 66 की अगर हम बात करते हैं, 66 ड्यूरिंग द मिल्किंग प्रोसेस नेम द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑक्सीटोसिन होगा। हर्बिसाइड बिलोंग टू द एमाइड ग्रुप, देखो एमाइड ग्रुप से जो भी क्लोर वाले होते हैं वो एमाइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ब्यूटाक्लोर होगा। द जेनेटिक आर्किटेक्चर ऑफ अ क्लोन वेराइटी, एक क्लोन वेराइटी जो होती है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये होमोजीनस एंड हेट्रोजाइगस होती है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा। 68 का राइट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, हेट्रोजाइगस होमोजीनस इन नेचर होगा। 69 की अगर हम बात करते हैं तो 69 का जो राइट आंसर होगा आपका, इन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन रेशनल जोन इज ऑलवेज, बहुत सीधा क्वेश्चन था, सेकंड जोन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 70 की अगर हम बात करते हैं, इन राजस्थान अंडर कैनाल इरिगेशन सोर्स द मेजर एरिया इरिगेटेड इज द थ्रू द प्रोजेक्ट चंबल प्रोजेक्ट के द्वारा ये इरिगेट किया जाता है। 71 की अगर हम बात करते हैं, हॉल्स इन कोकोनट ट्री ट्रंक विद protruding chewed fibrous material and brownish wood is a characterized symptom produced by the which pest, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका 71 का वो रेड पाम विबल राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 72 नंबर का जो क्वेश्चन है कि moist soil which are relatively darker have lower albedo value, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, albedo इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 72 का, ठीक है। 73 की अगर हम बात करते हैं, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन फॉर वीट, हम सभी जानते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो है CRI स्टेज जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। 74 नंबर की बात करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि 74 नंबर का क्वेश्चन, द वर्ड एग्रोनॉमी इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हो गया, ठीक है। मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर नर्सरी राइजिंग ऑफ खरीफ ओनियन इज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 75 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि खरीफ ओनियन की जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो मार्च अप्रैल जो है इसका सबसे अच्छा समय माना जाता है। 76 की अगर हम बात करते हैं, द सेंसिटिविटी ऑफ आयरन इन प्लांट इज डिस्कवर्ड बाय द ईग्रिस इन 1843 के अंदर जो है ईग्रिस ने इसकी सेंसिटिविटी दिया था। 77 है, फ्लोर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस व्हाइल वर्किंग ऑन द लिंसीड, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं 78 के बारे में, सीमिट मैक्सिको मेंटेनिंग द जर्म प्लाजोम, देखो सीमिट मैक्सिको जो है वीट में इस पर तो कार्य करता ही है, साथ ही साथ आपका जो ट्रिटिकेल है इसके भी जर्म प्लाज्म को जो है ये क्या करता है, कंजर्व करने का काम कर रहा है। इन विच पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर रेनी क्लाउड आर फॉर्मेड, तो 79 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ट्रोपोस्फीयर होगा, ठीक है। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन हुआ है 97 1974
ठीक है, 1974 में जो है पांडिचेरी में बनाया गया था। सीवेटी ऑफ क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर कैन बी रिड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ, देखो ये कहाँ होता है, एसिडिक सोइल के अंदर ज्यादा होता है। जब हम लाइम का एप्लीकेशन एसिडिक सोइल के अंदर करेंगे तो इसकी जो सीवेटी है वो कम होगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, लाइम होगा। अगला क्वेश्चन है आपका द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द डीजल इंजन आर इन द ऑर्डर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्रेशन रेशियो क्या होगा डीजल इंजन के लिए, तो 82 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका 14 से 20:1 होगा। 83 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोइल टेक्सचरल क्लास एज पर द ट्रायंगुलर टेक्सचरल डायग्राम इज हैविंग हायर सैंड कंटेंट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 83 का राइट आंसर जो है आपका नंबर 1 होगा, लोमी सैंड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर आईसीआर के द्वारा, कौन सा प्रोग्राम इनमें लॉन्च किया गया, तो लैब टू लैंड प्रोग्राम इन 1979 इन गोल्डन जुबली ऑफ आईसीआर। ठीक है, 85 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज कॉमनली प्रैक्टिसेड, यानी भारत के कौन से राज्य के अंदर जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। सुटेबल स्टोरेज टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेस्पेक्टिव फॉर ऑनियन क्रॉप, तो 86 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका 1 होगा, 0 to 2 डिग्री सेल्सियस एंड 65 से 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जेनेटिक प्योरिटी ऑफ प्योर लाइन वेराइटी कैन बी मेंटेनेड बाय 87 में राइट आंसर आपका मास सिलेक्शन होगा। देखो दोस्तों 88 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम अभी ब्लैंक छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद 89 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो CSWRI बहुत फेमस, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, तो अविका नगर मालपुरा टोक में ही स्थित है। 90 नंबर की हम बात करें तो मैन कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021 का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 90 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। 91 इज द रिलेटिव लैंड एरिया अंडर सोले क्रॉप दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीवमेंट इन द इंटरक्रॉपिंग, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं 92 नंबर का क्वेश्चन, वाटर मोमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट पाथवे, वाटर मोमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट पाथवे इज ऑफसेटेड बाय द कैस्पारियन स्ट्रिप व्हिच इज प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोइल सर्वे आर टू हैव अ ब्रॉड आइडिया, देखो मैंने डिस्कस किया था 2021 का जब हम सोल्व कर रहे थे कि ब्रॉड एरिया के लिए जो है रिकॉन्सियंस मेथड का यूज करते हैं। विच वन इज द बर्ड एंड लीफ नेमेटोड, 94 नंबर का जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका FLN है, कोइडस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 95 नंबर का क्वेश्चन, ये भी रिपीट क्वेश्चन आपका हुआ है। द एल्कलिनिटी इन द एल्कलाई सोइल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम के कार्बोनेट और सोडियम के बाइकार्बोनेट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द सोइल सॉल्यूशन, तो राइट आंसर आपका फोर्थ नंबर का होगा। वाटर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोकोरी, इसे कहा जाता है। श्वान सब वन इज द वैरायटी ऑफ राइस, ठीक है। स्पिलोथीसिया रेलियाना कोज विच डिजीज इन सोरगम, तो 98 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है हेड स्मट होगा। ठीक है, 99 नंबर की अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि फरो ओपनर्स यूज इन द जीरो टिलेज सीड ड्रिल आर देयर, तो 99 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका इन्वर्टेड टी टाइप है। 100 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बेयर वैरायटी थार सेविका डेवलप विद द क्रॉसिंग ऑफ सेब एंड कत्था, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपका जो प्री पीजी का 19 जून 2022 को पेपर हुआ था उसके आंसर्स हैं। ये आंसर फाइनल नहीं है, फाइनल आंसर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद माने जाएंगे, लेकिन 99.9% चांस है कि ये सारे आंसर जो है आपके क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच, अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू।